नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज हम बनाएंगे मॉस रोज का मिनी गार्डन। टॉप आयरी तो मैंने पिछले साल काफ़ी सारी बनाई थी, तो हम मॉस रोज से मिनी गार्डन बनाएंगे। और कैसे कैसे बनाएंगे इससे मतलब हम कुछ भी बाजार से खरीद के नहीं लाएंगे, जो भी घर में बेकार पड़ा हुआ होगा उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। दोस्तों जब भी हम कभी कोई मिनी गार्डन बनाते हैं, फेरी गार्डन बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें इस तरह का पॉट चाहिए होता है। इसमें मेरी स्ट्रॉबेरी लगी थी तो मैंने इसमें मॉस रोज की कटिंग्स लगा दी हैं और यहाँ पे गेंदा लगा दिया। तो हमें इस तरह का पॉट चाहिए होता है जो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, चौड़ाई में हो, तो मैंने इसी तरह का पॉट लिया है। और फिर हमको उसमें क्या ध्यान देना होता है कि मतलब जो जो हमने सोचा है, हमने क्या क्या कल्पना करी है, जैसे जैसे हम सोचते हैं मतलब ये काल्पनिक होता है फेरी गार्डन मिनी गार्डन, मतलब इसमें हम कुछ भी मतलब कलरफुल, जितना कलरफुल करेंगे उतना बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ मतलब मुझे लकड़ियाँ मिल गई हैं क्यारी से, तो मैं यहाँ पे इसकी बाड़ के लिए इसको यहाँ पे इनको कलर कर देती हूँ। और यहाँ पे मुझे मेरी तुलसी जी का भी एक पेड़ सूख गया था तो ये भी मिल गया है। इसमें मैं सोच रही हूँ कि कलर ना ही करूँ, क्या पता कर भी दूँ, पता नहीं, देखते हैं क्या क्या करती हूँ, पता नहीं उल्टा सीधा। और यहाँ पे मेरे ये पॉट हैं, इनमें कलर हो ही रखा है, ये बॉटल्स हैं, सब मतलब वेस्ट से ही हम करेंगे, कुछ भी हम बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाएंगे। सर जो जो मतलब मेरे घर में ही होगा उससे, और होल करा हुआ है मैंने, क्योंकि ये मैंने हैंगिंग्स के लिए तैयार करे थे, उसमें भी मेरी मॉस रोज की कटिंग लगी है। और यहाँ पे मैंने इसमें पेंट कर दिया है और इसमें मैंने मॉस रोज की कटिंग लगाई है। और ये वाले तो मेरे खिलने भी लग गए हैं, इनमें खूब फूल खिल रहे हैं, ये लाइट ऑरेंज कलर के हैं, इसमें मैंने अभी अभी कलर किया है। और यहाँ पर भी मैंने इसके ऊपर ऊपर कलर कर दिया, बाकी ये ग्रीन है, जैसा जैसा है वैसा ही मैं ऐसे रहने दूँगी। चलिए आगे क्या क्या करती हूँ मैं इसमें। दोस्तों वो काम मैं शाम को कर रही थी तो सारे फूल बंद हो गए थे, तो देखो अब सुबह खिल गए हैं। ये एक येलो कलर का आज सिर्फ एक ही खिला है, ये ऑरेंज कलर का, बाकी सब ये येलो कलर में है, बाकी वरना इसमें ऑरेंज कलर भी है। और ये तो मैंने मॉस रोज की जो होता है ये हमारी मतलब काफ़ी हार्डी वाला, वो इसमें भी बर्ड्स आने लग गई हैं। तो यहाँ पर मैंने इन लकड़ियों में कलर कर लिया है और आप देख रहे होंगे इसके नीचे नीचे नहीं किया, क्योंकि ये नीचे मिट्टियों में दबेगी और मैं पेड़ को भी मतलब सतरंगा बनाना चाह रही हूँ। ऐसा पेड़ आपने देखा नहीं होगा, तो इसके किनारे किनारे लगा देते हैं इनको यहाँ पे, क्योंकि इसके हम यहाँ पे रास्ता तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि मॉस रोज तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसमें रास्ता नहीं बन सकता, तो सिर्फ बाड़ ही हो सकती है। और पर्सलिन तो इसने अपने आप ही खुद इतने ज़्यादा उगाए कि पूछो मत। यहाँ इस तरह से हम लगा देते हैं सारे, और इसमें वो भी काफ़ी सारे उगाए हैं सदाबहार, तो इनको मैं इसी तरह से लगाऊंगी, कुछ मैं इस साइड लगा दूंगी। ये देखने पड़ेंगे, गेंदे के पेड़ हटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉट रखूंगी मैं इधर यहाँ पे। और देखो मेरा पिकअप प्लांटर, इसमें भी बर्ड्स आने लग गई है, इसमें मैंने मॉस रोज लगाए थे, मैंने मॉस रोज इसमें इसलिए लगाया था, पहले मैंने पर्सन लगा रखा था पिछले साल, अब मॉस रोज लगा दिया ताकि ये ऐसे नीचे को हैंग कर सके, तो इसकी मतलब इसके पंख लगे वो। तो वो पॉट काफ़ी बड़ा है तो उसे मैं ऐसे रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे जो मॉस रोज हैं वो दब जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक ईंट का टुकड़ा ले आई हूँ। मैं ईंट रखूँगी तब उसके ऊपर उस पॉट को रख दूँगी, तो ये मॉस रोज भी बिल्कुल ठीक रहेंगे, वरना मेरी सारी कटिंग्स ख़राब हो जाएंगी। इसके ऊपर मैं वो पॉट रख देती हूँ, पॉट रख के आपको बताती हूँ। ईंट रखने के बाद ये पॉट सेट हो गया है, तो जैसे कि सब सारा काम मॉस रोज पे ही हो रहा है, तो इस प्लांटर पे भी मैंने मॉस रोज लगाया हुआ था। देखो इसके ना एक यहाँ से होल से मैं बताती हूँ आपको, सदाबहार का पौधा अपने आप ही निकल आया है, ये देखो यहाँ इधर ये होल था, होल से अपने आप निकल रहा है ये, तो इसमें मैंने पहले से ही लगा रखे हैं मॉस रोज, जब मैंने वीडियो भी शेयर किया था, तो यहाँ पे रख देते हैं इसको। लाई तो मैं दूसरा भी हूँ लगाने के लिए, वो पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। ये मुझे थोड़ा मतलब नीचा लग रहा है, तो इसे इसमें भी कुछ रखना पड़ेगा नीचे और तब करना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे सेटिंग होती है इसकी। और दोस्तों इस तरह से मैं उसके लिए सीढ़ी तैयार करूंगी, कुछ भी नहीं करना है। मैंने ये बांस की डंडियाँ ली हैं और ये बांस के ही वो हैं जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, आप देखो कट भी क्या किया है, अपने हाथ से तोड़ा है। और बस इस तरह से मुझे किसी भी आपके पास जो भी हो आप उसकी सहायता से वो कर सकते हो, इन्हें जोड़ सकते हो। मैं धागे से जोड़ रही हूँ इन्हें और उसके बाद मैं इसमें रंग कर दूँगी, क्योंकि मुझे कलरफुल करना है, तो मैं कुछ भी नीला पीला ऐसे करूँगी। तो इस तरह से हम सीढ़ी बना देंगे।
दोस्तों मेरे जो मोसरोज का मिनीचर गार्डन है, ये है उसका फाइनल लुक। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से ये बर्ड्स मैंने ही बनाई हैं दोनों क्रोशिया से। ये तो मैंने ऐसे आइसक्रीम का एक डिब्बा पड़ा हुआ था तो ऐसे घोंसला बना दिया। और यहाँ देखो इस वाले में तो बहुत फूल खिल रहे हैं और यहाँ इनमें कलियाँ बनने लग गई थी मैंने, पर इनको तोड़ के इसमें और कटिंग्स लगा दिए हैं। कुछ दिन में इनमें फूल भी खिल जाएंगे, फूलों से भर जाएंगे ये सारे। ये जो मशरूम टाइप दिए से बने हुए हैं ये तो आपको बनाने आते होंगे। ये हट भी वॉल पुट्टी से मैंने ही बनाई है, एक बोतल एक खाली पड़ी हुई थी उससे। तो देखो, और ये तो खैर बैम्बू से बनाई है, ये सारे पत्थर मतलब पेंटिंग कर दिए। तो इस तरह से आप मतलब कुछ भी इसमें मतलब मैंने बाहर से नहीं ख़रीदा है, जो भी घर में सामान पड़ा हुआ था ऊन भी घर में रखी हुई थी, क्योंकि मैं ऐसे मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने उससे यूट्यूब से देख के ये चिड़िया खुद ही बना दी। तो देखो मतलब कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से आप भी कर सकते हो। मतलब ये क्रिएटिविटी है, मतलब कुछ भी अपने गार्डन को सजाने के लिए अब मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब हम अपने गार्डन को सजाने के लिए कर सकते हैं इस तरह के काम, मतलब कुछ भी। जैसे मैंने तो ये किया है, आप कुछ और भी कर सकते हो। यहाँ पे तो इसमें और पॉट रखने की जगह नहीं थी, वरना मैं रख देती। यहाँ भी इसमें पीछे फूल खिल गया है मोसरोज का। तो ये देखो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर। और सब कबाड़ का जुगाड़ है, कुछ भी मतलब ख़रीदा हुआ नहीं है। नीचे प्लास्टिक का डब्बा है वो भी बेकार था, ये प्लास्टिक के बॉटल्स हैं सब, ये मतलब ऐसी हैं, दिए थे दिवाली के। पत्थर तो खैर मिल ही जाते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये साइड में जो मैंने उसमें वो करी है, वो लकड़ियाँ भी घर में ही थी। प्लांट्स की आपके यहाँ भी कोई पुराने हो जाते होंगे प्लांट्स, उनकी लकड़ियाँ काफ़ी पड़ी रहती होंगी ना, तो उस तरह से। और ये बर्ड क्या है कि इनमें हिलती रहती है, जैसे हवा आती है ना तो ये हिलती रहती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। ऐसे अभी हवा चल रही है तो वैसे मैंने इनको अपनी हैंगिंग में हैंग कर रखा है, जो मेरे हैंगिंग प्लांटर्स हैं ना आगे उनमें हैंग करा हुआ है। जब भी हवा आती है तो ये इधर उधर घूमती रहती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।